दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे वराह अवतार के बारे में। भाद्रपद महीने के शुक्ल पक्ष की तृतीय तिथि को वराह जयंती मनाई जाती है। माना जाता है इस दिन भगवान विष्णु ने वराह अवतार लेकर हिरण्यक्ष नाम के दैत्य को मारा था। इस मौके पर सुख समृद्धि की कामना से भगवान विष्णु की विशेष पूजा के साथ व्रत और उपवास किए जाते हैं। साथ ही विष्णु मंदिरों में भजन और कीर्तन भी किए जाते हैं। भगवान विष्णु के मत्स्य और कश्यप अवतार के बाद तीसरा अवतार है वराह का। वराह यानी शुक्र। इस अवतार के माध्यम से मानव शरीर के साथ परमात्मा का पहला कदम धरती पर पड़ा। मुख शुक्र का था लेकिन शरीर इंसान का था। भगवान विष्णु के वराह अवतार के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा के अनुसार वैकुंठ धाम के द्वारपाल जय और विजय ने सप्त ऋषियों को एक बार अंदर जाने से रोका था। इस कारण दोनों को धरती पर 3 जन्मों तक दैत्यों का जीवन भुगतने का श्राप मिला था। दोनों अपने पहले शापित जन्म में कश्यप और दिति के पुत्र हुए, जिनके नाम थे हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष। विष्णु पुराण में इस बात का उल्लेख हमें मिलता है कि दोनों जुड़वा भाइयों हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष ने जब जन्म लिया तो धरती कांप उठी थी। दोनों दैत्य ने ब्रह्मा जी को प्रसन्न करने के लिए घोर तप भी किया। उनकी तपस्या से ब्रह्मा जी अत्यंत प्रसन्न हुए और उन्होंने दोनों दैत्य को विजय प्राप्ति का वरदान तक दे दिया। इसके बाद इन दोनों दैत्यों ने पृथ्वी पर उत्पात मचाना शुरू कर दिया। जो भी पूजा पाठ और यज्ञ कर्म करता उनको हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष द्वारा खूब प्रताड़ित किया जाता। दोनों भाइयों ने इंद्रलोक पर विजय प्राप्ति की। इंद्रलोक पर जीत पा लेने के बाद हिरण्याक्ष ने पृथ्वी पर भी अपनी विजय प्राप्त कर ली। अपने वरदान का फायदा उठाते हुए उसने पृथ्वी को समुद्र में डुबो दिया। दैत्यों में से एक हिरण्याक्ष एक बार इधर उधर घूमते हुए वरुण के नगर में पहुंच गया। पाताल लोक में पहुंचते ही हिरण्याक्ष ने वरुण देव को युद्ध के लिए ललकार लगाई। इस पर वरुण देव बोले कि मेरे अंदर युद्ध करने की अब कोई इच्छा नहीं रही है। यदि तुम्हें युद्ध करना है तो भगवान विष्णु से युद्ध करो। ये दृश्य देख सभी देवताओं ने ब्रह्मा जी और विष्णु जी से हिरण्याक्ष से छुटकारा दिलाने के लिए बहुत आग्रह किया। ब्रह्मा जी ने इसका समाधान निकालने के लिए भगवान विष्णु का ध्यान किया। ध्यान करने के दौरान उनकी नासिका यानी नाक से भगवान विष्णु के वराह अवतार की उत्पत्ति हुई। इस तरह भगवान विष्णु के वराह अवतार ने जन्म लिया। दैत्य हिरण्याक्ष ने वरुण देव की बात सुनकर विष्णु से युद्ध करने का निश्चय किया। इसके लिए उसने देवऋषि नारद से भगवान विष्णु का पता पूछा ताकि वो युद्ध के लिए उन्हें ललकार सके। देवऋषि नारद ने उनसे कहा कि नारायण इस समय वराह रूप धारण किए हुए हैं और वे पृथ्वी को समुद्र से बचाने के लिए गए हुए हैं। ये सुनकर हिरण्याक्ष तुरंत उस मार्ग की ओर निकल पड़ा, क्योंकि पृथ्वी को समुद्र में रखे जाने का यह कृत्य उसी ने किया था। अब हिरण्याक्ष उस स्थान पर पहुंच चुका था। उस स्थान पर पहुंच कर देखता है कि वराह अवतार पृथ्वी को अपने साथ ले जा रहे हैं। ये देखते ही वह वराह अवतार से युद्ध करने के लिए कूद पड़ा। वराह अवतार और हिरण्याक्ष के बीच भीषण युद्ध हुआ और इस युद्ध में वराह ने दैत्य हिरण्याक्ष का पेट अपने दांतों से फाड़ डाला। इसके बाद वराह अवतार ने पृथ्वी को समुद्र से उठाया और उसके मूल स्थान पर फिर से रख दिया। भगवान विष्णु के हाथों मारे जाने के कारण हिरण्याक्ष वैकुंठ लोक में चला गया। वह फिर से भगवान के द्वारपाल का पैरी बन गया। तो ये थी कथा वराह अवतार की। आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट करके जरूर बताइए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय श्री राम।